हेलो एंड वेलकम बैक टू कैंडिड ट्रीट। तो आज की रेसिपी है चॉकलेट पिस्ताशियो कुकी की, और इसे भी आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, वो भी बिना अवन के। और आपको ऐसे ही बहुत सारी कुकीज़ की रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अनसॉल्टेड बटर चाहिए, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर यूज़ करें, जिससे कि विस्क करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने होममेड अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसे बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 9 टेबलस्पून बटर का यूज़ किया है। आप इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पर मैंने टेबलस्पून मेजरमेंट ही रखा है, जिससे कि आपको इसे आसानी हो घटाने या बढ़ाने में। तो यहाँ पर आपको जितनी भी कुकी बनानी हो, आप उस हिसाब से यहाँ पर बटर का यूज़ करें। और अब इसमें डालें 7 टेबलस्पून के करीब पाउडर शुगर। यहाँ पर आप शुगर भी अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। और उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा नमक डालें, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए विस्क करें अच्छे से, जिससे कि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। तो बटर को विस्क करने के बाद इसमें हमें डालना है मैदा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 11 से 12 टेबलस्पून के करीब मैदा डालें। और टेबलस्पून में डालने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इसमें कितना मैदा यूज़ करना है और कितना नहीं। तो यहाँ पर मैंने बैचेस में मैदा यूज़ किया है, आप भी उसी तरीके से करें। और अब इसमें डाल दें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। तो यहाँ पर आप चॉकलेट फ्लेवर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको डालना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। और अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर हमने इसे एक बार मिक्स कर दिया है, और अब इसमें फिर से 8 से 9 टेबलस्पून के करीब मैदा डालें। और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकी डो अभी भी बहुत ही ज़्यादा वेट है, तो इसमें हमें अभी और मैदा यूज़ करना होगा। तो यहाँ फिर से 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैदा डालें, और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने टोटल 24 से 25 टेबलस्पून के करीब मैदा यूज़ किया है। तो अब हमारा डो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। तो इसमें डाल दें अभी 1/2 कप के करीब चॉप किए हुए पिस्ताशियोस। और अब यहाँ पर आप अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस सभी को एक साथ अच्छे से कंबाइन कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कुकी डो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो गया है। तो इसे हमें और ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, तो आप इसे 2 पोर्शंस में पहले डिवाइड कर लें। और अब इन दोनों ही पोर्शंस को एक छोटे लॉग के शेप में रोल कर लें। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही कुकी डो रेडी है, और अब इसे हमें फ्रीज़ करना है। तो जिसके लिए आप एक प्लास्टिक रैप ले लें, और इन दोनों को ही प्लास्टिक रैप में रोल कर दें। और उसके बाद इसे हमें फ्रीज़र में रख देना है तब तक जब तक ये अच्छा और सेट ना हो जाए। तो इसमें आपको करीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और हार्ड हो चुका है। और अब इसे हमें स्लाइसेस में काट लेना है। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस को बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकी डो के फ्रीज होने के कारण ये बहुत ही अच्छे से और स्मूथली कट रहा है। तो यहाँ पर इसे बेक करने के लिए मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है, और अब इन कुकीज़ को इसके ऊपर रख दें। तो हमारी कुकीज़ रेडी है बेक होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लें, और उसके नीचे बालू रखें, और उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट रख दें, और इसे प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें कुकी वाली प्लेट को रख दें, और अब फ्लेम को लो कर दें, और इसे ढक करके 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें, या फिर तब तक जब तक कुकीज़ अच्छे से बेक ना हो जाएँ। तो कुकीज़ को बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारी कुकीज़ रेडी है कि नहीं। आप इसे ऊपर से टच करके देख सकते हैं, अगर ये हल्का सा ड्राई लगे तो इसका मतलब है कि ये रेडी है, और अगर नहीं तो आप इसे 5 मिनट के लिए और बेक कर लें।
और अब इसे इसमें से बाहर निकाल लें। तो आप इसी तरीके से सारे कुकीज़ को बेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। तो आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चॉकलेट पिस्ताशियो कुकी की रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर आपका कोई डिफरेंट फ्लेवर की कुकी खाने का मन हो या फिर बनाने का मन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं उसे आपके लिए बना सकूँ।